हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ अभी इको में और आज का हमारा टॉपिक जो है इको के स्पीडोमीटर से रिलेटेड रहने वाला है। आज हम पूरा देखने वाले हैं कि कैसा है स्पीडोमीटर और क्या क्या अपने को जो है फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। इको में बैठने के बाद जो है इको का स्पीडोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है अपने को एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, सुई वाला, आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो है स्पीड लिखी है 180 और गाड़ी की जो है बॉडी और गाड़ी को देखा जाए तो 80 और 100 के बीच में चलाओ तो आपकी जो है ड्राइव बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और मैं आगे बात करूँ तो इससे पहले जो है इग्निशन ऑन कर लेते हैं हमारा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इग्निशन ऑन करने के बाद जो है ये सारी जो है लाइटें चालू हो गई है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर साइड में बात करें तो यहाँ पर जो है अपने को छोटी सी MID मिल जाती है और यहाँ पर जो है पेट्रोल का सिंबल दिया गया है और ये शो करता है कि अंदर गाड़ी में जो है कितना फ्यूल बचा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इको की 35 लीटर की टंकी है तो उस हिसाब से जो है अभी 18-19 लीटर पेट्रोल होगा इसमें, आधी टंकी है। और यहाँ पर जो है अपने को पेट्रोल का सिंबल मिल जाता है जिससे कि ये एरो दिया गया है जिससे कि फ्यूल कैप किधर है, पेट्रोल भरवाने का मतलब कैप किधर है वो अपने को पता चलता है इस एरो से। और यहाँ पर जो है मेन ओडोमीटर की हमको रीडिंग मिल जाती है और ये नॉब से आप जो है ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो ट्रिप ABC और मेन ओडो रीडिंग। अब दोस्तों इस लाइटों के बारे में बात करें तो ये जो है अपना इंजन ऑयल का सिंबल है और नीचे की साइड देखिए तो ये बैटरी का प्लस माइनस वाला, मतलब अल्टरनेटर से ये काम करता है। अगर आपके अल्टरनेटर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो ये लाइट जो है बंद नहीं होगा, मतलब बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है, ये आप जो है आइडिया लगा सकते हो। और ये जो है सबसे मेन लाइट इंजन चेक लाइट, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो है लाइट अपने आप जो है ऑन रहेगा, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी जो है ऑन रहेगा। और आपने बहुत सारी इको देखी होगी जिसमें कि जो है ये लाइट ऑन ही रहता है, तो उसके वजह मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है आफ्टर मार्केट CNG लगी होती है ना, तो उसी वजह से जो है ये लाइट जो है अपने आप जलती रहती है। जो भी ये CNG किट वाले हैं जो ECU जो है चेंज करते हैं उसी वजह से जो है ये लाइट जो है चालू ही रहती है, क्योंकि ये तो कंपनी किट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे की लाइट के बारे में बात करें तो ये होती है हैंडब्रेक की लाइट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हैंडब्रेक अभी लगी है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है लाइट शो कर रही है, हम हैंडब्रेक हटा देंगे तो ये लाइट जो है चली जाएगी अपने आप। तो ये हो गई हैंडब्रेक की लाइट। नीचे की लाइट के बारे में बात करें तो ये जो है अपनी होती है सीट बेल्ट की लाइट, मतलब आप ड्राइव करते हो तब भी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो ये ब्लिंक करती रहेगी और आपको शो करती रहेगी और टी टी करके आवाज़ आता रहेगा कि आप जो है सीट बेल्ट लगा लो। और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ सीट बेल्ट पहन के ही आप ड्राइव करो। श्री हमको जो है यहाँ पर जो है ये CNG की लाइट जो है जब भी आपकी गाड़ी की जो है CNG ख़त्म हो जाएगी और ऑटोमेटिक जो है CNG से पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी तब ये लाइट जो है CNG की चालू हो जाएगी। वो लाइट कैसे हटानी है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जब भी आपकी CNG ख़त्म हो जाती है और पेट्रोल पे सीधे कन्वर्ट हो जाती है गाड़ी, तो आप जो है CNG स्टेशन जाकर जो है CNG फिलअप करवा के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करोगे और सीधा एक बार एक बटन को जो है प्रेस करना है, सीधा ये निशान चला जाएगा और आपकी गाड़ी जो है CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार जो है लाइट ऑन करने के बाद जो है कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसी दिखती है लाइट। और यहाँ पर ऊपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो है ABS की लाइट है, अगर ABS में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो लाइट जो है चालू रहेगी। ये लाइट है अपनी, आपका जो है गाड़ी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो लाइट जो है आपको शो करेगी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये वाली लाइट CNG के से ऊपर वाली लाइट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर CNG से ऊपर वाली लाइट। ये सिंबल होता है अपना एयरबैग का, आप लोग देख सकते हो ये नया मॉडल है एयरबैग वाला, तो ये सिंबल होता है एयरबैग का, क्योंकि एयरबैग चालू होगा तो वो लाइट जो है बंद हो जाएगी। अगर एयरबैग में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो लाइट जो है शो करेगा। और अगर आप जो है रात में ड्राइव करते हो और आपका अपर चालू है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लाइट जो है शो करेगी कि आपका अपर जो है चालू है। यहाँ पर जो है हम डिपर करते हैं और ये अपर, तो यहाँ पर ये जो है शो करता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ये वाले लाइट, जब भी आपकी गाड़ी में जो है फ्यूल ख़त्म हो जाएगा ये वाला पेट्रोल, ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल रिजर्व पे लग जाएगी आपकी गाड़ी, तब भी ये शो करेगा कि आपकी गाड़ी में जो है पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आप जल्दी से जो है रिफिल करवा लो। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाइट वाइट लाइनें देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कैमरा में,
आपको, देखो ये लाइन जो है यहाँ से, तो ये लाइन आई है फोन रखने से, मतलब ड्राइव करते समय जो है फोन जो है जो भी ड्राइवर है वो यहाँ पर रख देता है, इसी वजह से जो है यहाँ पर ये लाइन आ जाती है। दूसरी दिक्कत ये रहती है कि हमको जो है स्पीड अच्छे तरीके से नहीं दिखती है, और अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो है ये लाइटें हमको नहीं दिखेगी, पेट्रोल कितना है वो भी नहीं दिखेगा, स्पीड कितनी है वो भी नहीं दिखेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इको में जो है बहुत बढ़िया जगह दी गई है यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए, तो आप जो है बढ़िया अपना यहाँ पर मोबाइल रखो, इस पर ना रखो क्योंकि बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं। ये जो है पॉलिश करने के बाद भी एक स्क्रैच नहीं हटे है, मैं ट्राई करके देख लिया, काफ़ी सालों पुराना है, मतलब 2010 के करीब का ये मीटर, जब भी पहली इको निकली थी तब से ये मीटर चला आ रहा है, और मारुति ने कोई भी मतलब उसमें बदलाव नहीं किया सिवाय सीट बेल्ट और ABS की लाइट से, कुछ जो है पिछला वाला ही मतलब पुराना ही है। 2022 के मॉडल में जो है मारुति को जरूर से मीटर में जो है सुधार करना चाहिए, और जो है ये CNG वाला सिस्टम है ये सारा जो है इस MID में दे देना चाहिए। तो दोस्तों अब जो है आप लोग 10 सेकंड की वीडियो देखो कि रात में मतलब कैसा दिखता है मीटर। ये तीन लाइट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है कंपलसरी ऑफ हो जाने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो ये चालू ही रहेगी, मतलब कौन सा भी लाइट, ये प्लस माइनस वाला, बैटरी का, या फिर इंजन चेक लाइट, या फिर ऑयल प्रेशर का, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, और यही था कुछ इको के स्पीडोमीटर के फीचर्स के बारे में, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और समझा भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है, और जो भी करके मुझे सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, और इंस्टा ID इधर आ रही होगी, वहाँ पर जाकर आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। सुपर कैरी का अगर आपने मीटर का रिव्यू नहीं देखा तो आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में आप लोगों को जरूर से मिल जाएगा। इसका जो है म्यूजिक प्लेयर का भी मैंने टेस्टिंग करके रखा है, वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आई बटन में जरूर से मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।